अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो है वो चैट जीपीटी के ऊपर है। ये लॉगिन आप चैट जीपीटी जो एप्लीकेशन है इस पर लॉग इन कर सकते हैं। यूआरएल है chat.openai.com/chat, ठीक है। यहाँ पे लॉग इन किया तो ये आपको ज़रा सा इंट्रो दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपको हम एग्जांपल्स और इसकी ना ये जो कैपेबिलिटीज़ और लिमिटेशन है ये चेक करेंगे। सबसे पहले आप देख लेते हैं एग्जांपल्स, लाइक हमने ये हमें एग्जांपल दी हुई है, हम इसको चैट जीपीटी है क्या बेसिकली, ये एआई का मॉडल है जो कि आपका एज अ असिस्टेंट यूज़ होता है, ठीक है। आपको आपको लगता है कि ये नेचुरली आपसे बात करे, नेचुरली आपका आपको आंसर करे आपके क्वेश्चंस का। तो अभी हम देख लेते हैं फॉर एग्जांपल इसको, ठीक है। ये आपको आंसर दे रहा है, हमने इसका एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। भी हमें जनरेट करके दे रहा है आंसर। तो वेट करते हैं कि जब तक ये हमें आंसर कंप्लीट करके दे दे। ये देखें मोस्ट सिंपल फॉर्म में ना इसने हमें ये आंसर दे दिया है कि हमने इसे जो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में क्वेश्चन किया था जी। और चैट जीपीटी का जो फुल फॉर्म है, एक्रोनिम बनता है, वो है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो बेसिकली ये हमारे पास एक एग्जांपल थी, बाकी हम इसको देख लेते हैं। न्यू चैट आई, अब इसको हम चेक करते हैं दूसरी एग्जांपल को। ये देखें हमें एग्जैक्ट, अच्छा हमने इसे क्वेश्चन किया है एनी क्रिएटिव आइडियाज फॉर अ 10-year-old बर्थडे, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली उस हिसाब से हमें आंसर दे रहा है, आप देख सकते हैं। अच्छा ये फ्री इसलिए है कि रिसर्च प्रीव्यू के लिए, मतलब ये अभी बेसिकली इट इज अ रिसर्च जिसके लिए हमें ये फ्री दिया गया है। देखें एग्जैक्टली हमें जो है ना उसने उसी तरह के आइडियाज बताए हैं, ठीक है। अभी हम एक और क्वेश्चन इसे पूछ ले रहे हैं टेक से रिलेटेड। हाउ डू आई मेक एन HTTP रिक्वेस्ट इन JavaScript, ठीक है। अच्छा अब ये JavaScript में JS आपने स्टडी किया हो तो उसमें ये अब आपको उसी तरह से बताएगा, ठीक है। jQuery की अभी ये लाइब्रेरी यूज कर, ठीक है। तो उसने इस तरह से आपको रिस्पांस दे दिया। ये देखें अब गेट की रिक्वेस्ट किस तरह से फैच हो रही है, देखें लाइब्रेरीज का बता रहे हैं अभी। तो ये बेसिकली आपको सारा रिस्पांस इसने दिया बेस्ड ऑन जस्ट वन क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ पे पूछा था इससे। सो ये अगर अच्छा, अब इसमें हम कैपेबिलिटीज इसकी देख लेते हैं कि ये याद रखता है जो आपने लिखा है या पहले जो लिख चुके हैं उसको याद रखता है, ठीक है। फॉलो अप क्वेश्चंस, फॉलो अप करेक्शंस, ठीक है। अच्छा मज़े की बात कि ट्रेन टू डिक्लाइन इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट, ठीक है। इसको पता है कि कोई रिक्वेस्ट इन अप्रोप्रिएट है तो उसको डिक्लाइन भी करेगा, ठीक है। कुछ लिमिटेशन है ज़ाहिर, ऑब्वियसली नॉट दैट मच फीजिबल, तो उसमें कोई ना कोई लिमिटेशन होंगी। तो ये बेसिकली एक छोटा सा डेमो था चैट जीपीटी का। आई होप यू लाइक इट। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।